अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? और देख सकते हैं कि अभी हम लोग यहाँ से कुछ फ्रूट्स ख़रीद रहे हैं, एप्पल वगैरह, और हम लोग जा रहे हैं शाहीन बाजी के घर, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही नसीम का कॉल आया कि रेडी हो जाओ और शाहीन बाजी घर जाना है। तो मैं बस बिल्कुल रेडी हो गई थी, और तो यहाँ से रास्ते में से हमने कुछ फ्रूट्स लिए और हीना का कॉल आया था नसीम के पास, तो उन्होंने बताया कि शाहीन बाजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो बस हम लोग यहाँ से ये फ्रूट्स वाले नज़र आए, तो यहाँ से हम लोग ये लेकर जा रहे हैं अभी शाहीन बाजी के घर और देखते हैं कि उनकी तबीयत कैसी है। और फिर हम लोग पहुँच गए थे शाहीन बाजी के घर, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जन्नत पहले से ही यहाँ पर आ चुकी हैं। अरे एक बताओ, तुम बताओ पहले कौन सी आंटी अच्छी लगती है? सारी आंटी मुझे। तो क्यों, मुझे सारे बच्चे अच्छे लगते हैं, मैं एक कैसे बताऊँ? बताओ ना आंटी, एक बताओ तुम। तो तुम भी बताओ फिर, मत लो। और फिर इधर शाहीन बाजी ने समोसे मंगवाए थे हमारे लिए, तो वो मिले नहीं, तो ये सारी चीज़ें, ये ब्रेड पकौड़े वगैरह ले आए। तो इन्होंने समोसे मंगवाए थे और वो मिले नहीं, और बाकी फिर ये ब्रेड पकोड़े, फ्रेंच फ्राई ले आए। तो मुझे ब्रेड पकोड़ा वगैरह जो है बाहर से ज़्यादा मुझे घर का बनाया हुआ पसंद आता है। लो मेरा। क्यों टेस्टी है? टेस्टी है, चटनी से खाओ, ग्रीन वाली चटनी से। ये क्या है? ये बॉल का है? बॉल नहीं है, ये ब्रेड पकौड़ा है। ये ब्रेड पकौड़ा तो ये वाला है, ये नहीं है। ये क्या है? बड़ा बड़ा नाना नाना जनत, बोल खा लो। बोल बोल, टेस्ट करके देखो। बोल बिल्कुल ब्रेड जैसा होता है। ब्रेड का बनता है? मैंने तोड़ना नप्पी। हाँ ब्रेड का है। इसे क्या कहते हैं? ब्रेड पकोड़ा है। ब्रेड पकोड़ा, ये भी शायद। मैं क्या कह रही, ब्रेड पकोड़ा। ये भी ब्रेड पकोड़ा है। थोड़ा फाकी होगी टाइम। ब्रेड पकोड़ा खा, ये खा ले अंडा पकोड़ा। अंडा पकोड़ा आज भाई, अंडा ये बास्केटें मैंने मंगवाई थी इस सामान के लिए, ताकि जो मेरा सामान इस कार्टून में भरा हुआ था, डेली यूज का सामान ही है। और ये सामान मैंने इसलिए मंगा कर रखा था कि उनकी कभी अचानक से कोई चीज़ ख़त्म ना हो। ये छोटा मोटा घर का डेली यूज का सामान है, और ये बास्केटें इस सामान के लिए मैंने मंगवाई थी, लेकिन ये साइज़ में इतनी सी आ गई, इतनी छोटी। दिखाया था साइज़ में दो बास्केटें हैं, इतनी बड़ी एक बास्केट दिखाई थी उन लोगों ने। मीशो से मंगवाया मैंने ये, और इस तरह का कुछ ही सेट था ये तीन का, और साइज़ में यहाँ वो डबल दिख रही थी और ये उसकी आधी दिख रही है, बिल्कुल सेम दिखने में। कलर वही है, डिज़ाइन भी वही है, लेकिन साइज़ में बहुत फ़र्क है। साइज़ बिल्कुल भी वो नहीं है जो दिखाया था इन लोगों ने। तो अब जैसा भी है इसी को यूज़ करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसमें सामान हमारा फिट आ पाता है नहीं। और इसकी हाइट देखिए ज़रा अंदर की, कितनी कितनी कम है ये, सिर्फ इतनी साइज़ की, ये इतनी। कलर वलर सब बिल्कुल सेम है, बस वो चीज़ नहीं है, इसकी लेंथ बहुत कम है। चलिए अभी अपना सामान हम इसमें फिट करते हैं, इसमें ये रख के देखते हैं सामान, जो फिट भी नहीं आ रहा इसमें सामान। और इन्हीं चीज़ों की वजह से मैंने ये मंगवाई थी, ताकि इसमें सेफ्टी से रखा रहेगा सामान, लेकिन इसमें आ भी नहीं पा रहा है पैकेट। कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा इसको मंगाने का।
ये एक में मैंने सारे गरम मसाले जितने भी होते हैं रख दिए हैं, मतलब अभी देखते हैं ये बंद हो रहा है नहीं हो रहा है, और ये बंद भी नहीं हो पा रहा है। तो ये बंद होने का तो कोई सिस्टम ही नहीं है, सिर्फ ऐसे ही रखा जाएगा ये, लेकिन फिर भी थोड़ा हो नहीं पा रहा। थोड़े से मसाले इसमें से कम करके बॉक्स में भर देते हैं, शायद फिर इसका जो है बॉक्स ढक्कन ये बंद हो जाएगा। ये देखिए इसमें से कुछ मसाले हमने कम करके अपने बॉक्स में, ये बंद होता है या नहीं। नमन आ जाता है, नहीं आएंगे। और ये वाली बास्केट भी फिल कर दी है, फिल कर दी है मैंने, अभी इसको भी देखते हैं। सामान तो इसमें से अच्छे से आ रहा है, लेकिन थोड़े बड़ा साइज़ होता तो इसमें आराम से सारा सामान भी आ जाता, और ये बाकी ये जो पैकेट वगैरह हैं तो ये भी फिट हो जाते इसमें आसानी से। अभी तीसरा बास्केट, इसमें हम देखते हैं क्या सामान रखना है, लेकिन सारा सामान इसमें आ भी नहीं पाएगा, तो अभी देखते हैं इसमें क्या फिट करना है। तो इन तीनों बास्केट में जितना जितना सामान आ गया है वो मैंने सारा इसमें रख दिया है, और बाकी का कुछ सामान रह गया है हमारा ये, तो इसको अभी हम किसी छोटे कार्टून में कर देंगे, बाकी इसको फेंक देना है। बस सिखाते हैं। तो ये बास्केटें हमारी इधर तैयार हो गई तीनों, और एक बॉक्स ये है हमारा एक्स्ट्रा सामान जो भी होता है किचन का डेली यूज़ का, तो ये सारा वो सामान है। तो ये कम यूज़ होने वाला सामान है जो कभी कभी यूज़ होता है, और बाकी डेली यूज़ का सामान है। तो डेली यूज़ का भी मैंने निकाल कर बॉक्स छोटे बॉक्सेस में कर लिया है, लेकिन ये वाला जो है एक्स्ट्रा का है थोड़ा, तो जब वो ख़त्म हो जाएगा तो इसमें से उसमें शिफ्ट कर देंगे थोड़ा बहुत। अभी इनको शिफ्ट करने की बारी है कि कहाँ शिफ्ट करना है। मैंने वो वाला बॉक्स निकाला है डिनर सेट का, उसे हम कहीं और शिफ्ट कर देंगे, और उस जगह पर ये वाले बॉक्सेस जो है वहाँ शिफ्ट कर देंगे। दे दी पैसे ये ना। और आप लोग सोच रहे होंगे कि दोबारा से वही क्लिप इन्होंने ऐड कर दिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कल हम शाइन बाजी के यहाँ गए थे, तब हमने वो फ्रूट्स खरीदे थे, और आज हम लोग जा रहे हैं। दूसरा वाला पैकेट भी लाओ, उसे उठा के, उसमें क्या है? उसमें दूध है। अच्छा येलो, ये मल्टी में हो इतनी सारी, बस यही है। अरे 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 किससे मंगाई? अबू बकर भाई से। चलो कब कुछ जलाओगी इसको? अभी जला लो। अभी नहीं, रात को जलाते हैं। अभी नहीं, रात को जलाते हैं, रात को ये हाँ जब लाइट जाए ना तब, रात भर जागती रहना, जब लाइट जाए जब भी जला देना। कितना है? 26। ये भी 26। ये वाला 28। ये वाला, ये वाला 28। ये दोनों 28 के हैं, ये वाला 26 के हैं। क्या है? मोमबत्ती है इतने सारे, एक और दो तीन चार, चार चार मोमबत्ती है, चार चार मोमबत्ती नहीं, चार चार पैकेट, चार पैकेट, एक पैकेट, दो पैकेट, दो पैकेट, तीन, चार पैकेट। मुझे बहुत अच्छी लगती है बात, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा सब आंटियों में, मम्मी भी, सारी आंटियां भी और तुम भी। अभी क्या कहा था? सबने ज्यादा। बदतमीजी नहीं करो, बदतमीजी नहीं करो। आ गई कौन सी? दिवाली की, दिवाली की है। हाँ। दिवाली की, बारह पात की, बारह पात की। अब दिवाली कब आएंगे? एक एक जला ले ले हम लोग, तो बहुत सारी फ्री है। मैंने से कलर की एक बार कलर चूज कर ले, सारी मल्टी शेड है। देखो एक रेड कलर की, एक ग्रीन कलर की, एक येलो कलर की, और एक इतनी कलर।
और माशाल्लाह से आज है ईद उल मिलादुल नबी का दिन है आज, और यहाँ पर सभी लोग देख सकते हैं तैयारियाँ कर रहे हैं, सभी ने अपने घरों में कैंडल्स लगा रहे हैं और इधर जन्नत ने भी सारे कैंडल्स मंगा लिए हैं। अच्छे से चिपकाना चिपकाट करना शुरू कर दो और क्या? लगा ली और शादी के बाद ये मेरा पहला बारात है ईद उल मिलादुल नबी, और यहाँ पर देख सकते हैं सभी बच्चे कैंडल्स लगा रहे हैं और हमने अपने घर पर भी तैयारियां कर ली थी, गोश्त वगैरह नसीम ले आए थे, लेकिन फिर अचानक जन्नत की कॉल आई और ये बहुत ज़्यादा रो रही थी। जन्नत थोड़ा साइड भी तो, और आज दोपहर 3 बजे के करीब जन्नत की कॉल आई और ये बहुत ज़्यादा रो रही थी, बुलाना चाह रही थी अपने घर पर, तो पहले मैंने मना कर दिया था लेकिन फिर ये बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगी, और फिर मैंने अपने हस्बैंड से भी पूछा तो उन्होंने बोल दिया, तो फिर बस हम लोग सभी गोश्त और दूध फ्रिज में रख कर अभी हम लोग यहाँ पर आ गए थे, और बाकी यहाँ पर देख सकते हैं सभी लोग अपने अपने घरों में कैंडल्स लगा रहे हैं। ऊपर कौन जाएगा? ऊपर ऊपर हम जाएंगे, ऊपर भी लगाएंगे। इस पे होगी, इस पे देखने माशाल्लाह फिर लिए। हाँ ये बत्ती अच्छा इतनी सारी तो लगी हुई है, हमने लगाई है कौन सारी लगाई है, मुझे लगाए थे तो बड़े किस लिए लगाए बताओ, सब्सक्राइब करने के लिए लगाए। अच्छा और बताओ और सब बढ़िया? हाँ कब की आई तो बोल लो, बनकी तो बनाओ पापड़ी भाभी लग गई कौन सी भी दे दो कर गई और ये देखिए सामने हाजी जी कैंडल्स जलाते हुए नजर आ रहे होंगे आपको, और हुमेरा साथ में है। सही से जलाना जल रही है आज के दिन आए थे, आज के दिन अभी उधर भी हैं हाजी जी जहाँ पर उधर कौन ने लगाई है, कैसा लग रहा है? बढ़िया, कितना अच्छा लग रहा है। हमारे पास बहुत सारी है, जन्नत के पास कितनी है ना सभी? एक दो दो और इधर देखिए जरा कितने ज्यादा खूबसूरत इन कैंडल्स की रोशनी लग रही है, और मल्टी शेड में है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, और इन सभी को अभी देख सकते हैं जला दिया है, और रात के अंधेरे में बहुत ही अच्छी लग रही हैं। जन्नत कैसी लग रही हैं? उधर भी लगाई हैं क्या? उधर भी जला दी जीने पर भी? अच्छा मेरा हो, मेरा जलाओ। Mm-hmm.
वहाँ स्वागत में लगाई है देखो। अरे अल्लाह आ गए स्वागत करो उनका हाजी जी का। माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है यहाँ को। तुम भी बैठ जाओ, सूट तो बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा। माशाल्लाह तुम्हें मेरा सभी कुछ अच्छा लगता है। कल भी अच्छा लग रहा था तुम्हारा सूट। अच्छा हाँ, ये अम्मी के घर का है हमारी। अच्छा इनकी अम्मी के घर का सूट है। हाँ सूट भी बहुत अच्छा है, ये भी मेरी अम्मी के घर का है। हाँ। खाना खा के जाना अब तुम। ना खा रहा ना खा रही ज्यादा। क्यों तुमने नया नया लगवाई? मेरे न्यास के मैंने ऐसी बांट दिया खुशी में उनके। अच्छा। आपके आने की खुशी में। हाँ, आपके आने। मीठा बना के सब बांट दिया मोहल्ले। अच्छा में। करा माशाल्लाह तुमने। अब बिरयानी, अब बना रही बिरयानी भी खाना हाथ से खाते ही। हाथ से खाना सुन्नत है ना। हाँ माशाल्लाह जरदा तो फिर अच्छा बनाया है। सच में आंटी वीडियो बना रही हो। बादाम भी डाले माशाल्लाह। बादाम काजू सब चीज डाली है। ये गोला है, ये बादाम है। तो बादाम मैंने बहुत सारा बनाया था माशाल्लाह। अच्छा खा तुमने। पानी देना। ये चम्मच में दे दूंगा। ये चम्मच मैंने झूठे नहीं करा। ये जन्नत है, ये हम हैं, ये हाजी जी हैं। माशाल्लाह जब बड़ा टेस्टी बनाया है तो खाने में बहुत मजा आ रहा है। हटना जन्नत। जन्नत खा रही है ये। प्यारी सीधी करो। और ये एक अलग से जो कैंडल्स देखा आपने, ये बिल्कुल बहुत ही प्यारी सी इसमें खुशबू आ रही है इसमें, और ये खुशबू के लिए ही है। और बाकी देख सकते हैं अभी हम शाइन बाजी के घर पर आए हैं और इन्होंने कैसे डेकोरेट कर रखा है कैंडल्स। वहाँ पे जाके करीब जाओ, वहाँ पे जाओ। बस यहीं से सही है। अंधेरा हो करोगी जब अच्छी लगेंगी, जब इस अंधेरा करोगी ना जब अच्छी लगेंगी, ये लाइट ऑफ करोगी जब अच्छी लगेंगी। ये देखो लाइट बंद हो गई। और ये देखिए कैंडल्स, ये मुझे जन्नत ने दी हैं। और आज नसीम और हम जाते और लेकर आते, लेकिन फिर जन्नत की कॉल आई और हम लोग वहाँ चले गए तो हम ला नहीं पाए, और फिर ये उसने हमें दिए हैं। बाप रे। और सभी जगह आज अलग ही रौनक नज़र आ रही है, हर गली में, हर जगह, हमारे मोहल्ले में भी देख सकते हैं। सभी लोग बहुत ज़्यादा कैंडल्स लगा रहे हैं, किसी ने लाइटिंग लगा रखी है, अभी आपको दिखाते हैं। और रास्ते में जब हम लोग आ रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा आतिशबाजी हो रही थी, तो बम पटाखों का तो पता नहीं, लेकिन कैंडल्स ज़रूर जलाना चाहिए अपने घर में, और आज के दिन लाइटिंग वगैरह भी ज़रूर करना चाहिए। और मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से सभी की तबीयत ख़राब हो रही है। इधर देख, इधर मेरा गला भी बिल्कुल बैठ सर गया है, बहुत ही तबीयत ख़राब सी हो रही है। और कुछ ऐसी तबीयत नहीं है, सिर्फ मौसम चेंज हो रहा है, क्योंकि अभी गर्मियां जा रही हैं और सर्दी आ रही है, तो इस वजह से सभी लोगों की तबीयत में थोड़ा
ऊपर नीचे चल रहा है, तो यहाँ पर मेरी तबीयत, इसलिए मेरा गला भी ऐसा हो रहा है बार बार। सामने भी देख सकते हैं बच्चे छोटे छोटे कैंडल्स जला रहे हैं और कितनी ज़्यादा रौनक सी, आपको आज बहुत ज़्यादा रौनक सी हो रही है, अलग ही है आज। देख सकते हैं सभी के घरों में रौनक है और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे कैंडल्स जला रखे हैं और कुछ लोगों ने अपने घरों में लाइटिंग लगा रखी है। तो अभी मैं आपको साइड से दिखाती हूँ। और आप देख सकते हैं कि फाइनली हमारे घर में भी कैंडल्स लग चुके हैं और ईदुल मिलादुल नबी पर हमारे घर में भी रोशनी हो चुकी है, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और देखिए ज़रा पूरे मोहल्ले में माशाल्लाह से कैसी रौनक सी हो रही है, सभी ने अपने घरों में कैंडल्स वगैरह लगा रखे हैं और साथ में मिलाद भी हो रहे हैं आज मस्जिद में। और रात का 1 बजे का टाइम है और अभी लग ही नहीं रहा है कि रात का 1 बज रहा है। और ईदुल मिलादुल नबी आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो और आप सब खुश रहें और मेरे लिए भी दुआ करें, मैं भी खुश रहूं अपने हस्बैंड के साथ अपने घर में। और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट कीजिए, अच्छा सा कमेंट करना लेकिन। और बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।